दोस्तों, एक्सप्लोर शो में आपको स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि आपका जो एंजल अकाउंट है, यदि आपने अपना एंजल अकाउंट नया नया खोला है, तो आप एंजल अकाउंट में कैसे बाई सेल कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आज हम जानेंगे एंजल अकाउंट के बारे में। सबसे पहले आप अपना एंजल ब्रोकिंग ऐप लैपटॉप पे खोल सकते हैं। आप गूगल में जा सकते हैं पहले। ठीक है, ये आप देखेंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यदि आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके रिटेन कर सकते हैं पासवर्ड को इजीली। ये आपका इंटरफेस दिखता है। ये आप देखेंगे कि डैशबोर्ड है, पोर्टफोलियो है। तो मैं आपको स्टार्ट करने के लिए, जो भी जिनका भी अकाउंट नया होता है ये, तो उनको मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपको मार्केट में जाना है। मार्केट में जाने के बाद आप वॉच लिस्ट देखेंगे। ये वॉच लिस्ट, यहाँ पे आपको स्टॉक्स अपने ऐड करने हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका कोड है। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। इन्फोसिस, यहाँ पे आप ऐड करेंगे। ठीक है, टाटा स्टील, ये देखिए, आपको जो भी बाई करना है आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे स्टॉक पे। यहाँ पे आप देखेंगे राइट में बाई एंड सेल का ऑप्शन आएगा। बाई पे आपने क्लिक किया, ये विंडो खुल गई, नॉर्मल स्टॉप लॉस। तो अभी जो वाइट है ये हाईलाइटेड है, आपको स्टॉप लॉस पे नहीं जाना है, नॉर्मल पे रहना है। बाई यहाँ पे अपने आप आ गया, क्वांटिटी आपने डाल दी 10। प्राइस आप अगर अपना रेट डालना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये चल रहा है 1113, या चाहते हैं कि मुझे 1110 में ख़रीदना है, तो अपना रेट डाल सकते हैं। ठीक है, अपना यदि आपको मार्केट रेट पे खरीदना है, तो आपको यहाँ पे 0 लिखेंगे तो मार्केट रेट पे आएगा। लिखा हुआ यहाँ पे देखिए आप, 0 इक्वल्स मार्केट ऑर्डर। तो आप यहाँ पे 1110 डाल सकते हैं, क्वांटिटी डाल, सबमिट कर दिया। क्योंकि हमने जो रेट डाला है वो कम डाला है, रेट अभी ज़्यादा चल रहा है, तो आपका ये ऑर्डर बुक में अपने आप ऑर्डर बुक में ले जाएगा। देखिए पेंडिंग आ है, ये पेंडिंग है। अब इसे मॉडिफाई कीजिए, मैं इसे 1 कर देता हूँ। मॉडिफाई करके मैंने इसे कर दिया 13, 1113, सबमिट, कंफर्म, इसका रेट हो गया। ओके, अभी ऑर्डर लग, अब आप देखेंगे कि बाई हो गया। बाई होने के बाद ये पोजीशंस में आ जाएगा और आपको यहाँ पे गेन लॉस दिखाई लग जाएगा। ऑर्डर बुक में आप गए, अब एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है, ऊपर नीचे एग्जीक्यूटेड, फुल्ली एग्जीक्यूटेड यहाँ शो कर रहा है, यानी कि ऑर्डर आपका लग गया। पोजीशंस में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस दिखाई देने लग जाएगा। इस तरह से आप डाल सकते हैं ऑर्डर। अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है या इसे एग्जिट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जिट करना है, तो आप स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे पोजीशंस में जाके, तो ये टैब्स हाईलाइट हो जाएंगे। पहला वाला है स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे यदि 0 डालेंगे तो मार्केट ऑर्डर लग जाएगा। लिमिट डालेंगे, अपना रेट डालना चाहते हैं, इसमें 1100 मान लो 20 डालना चाहता हूँ, ठीक है, 1120 पे स्क्वायर ऑफ, तो ऑर्डर चले जाएगा। ऑर्डर बुक में पेंडिंग है, ये लगा नहीं है, कैंसिल करना हो कैंसिल कर दिया मैंने, पोजीशन में आप आ गए। दूसरा है, आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, स्टॉप लॉस पे गए, यहाँ पे आपको 2 रेट दिखाई देंगे, ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस, ट्रिगर प्राइस एंड प्राइस। जो प्राइस होगा वो ट्रिगर प्राइस से नीचे होगा, जो प्राइस होगा वो ट्रिगर प्राइस से नीचे होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने डाल दिया 1110, तो प्राइस मुझे डालना होगा 1109, 1110 पे ट्रिगर होगा, 9 पे लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ये स्टॉप लॉस पे क्लिक किया, ये ऑर्डर बुक में जाकर देखिए ऑर्डर हमारा डल गया। यहाँ पे शो कर रहा है प्राइस ऑब्लिक ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस है 1110, प्राइस है 1109, कैंसिल करना चाहते हो इसे कैंसिल कर सकते हैं। फंड्स, सबसे पहले मैं फंड्स ऐड करने होंगे, तो फंड्स में आप जाएंगे, यूपीआई का ऑप्शन भी आता है, यूपीआई आईडी डालिए और फंड ऐड कर लीजिए। नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी आता है, नेट बैंकिंग से भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको वॉच लिस्ट बता दिया, बेसिक्स बता रहा हूँ मैं, जो आपको शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसमें काफ़ी फंक्शंस हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको डेटा दिखेगा मार्केट का, ऑप्शन चेन, चार्ट्स। अब हाँ ओके, चार्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, चार्ट्स कैसे देखेंगे। चार्ट्स तो आपको विंडो में ही आ जाएंगे सीधा, जैसे आप इसे ओपन करेंगे। ये देखिए बायर सेलर यहाँ दिखा रहा है, टाटा स्टील का 52 वीक हाई लो क्लोज ओपन हाई, ये सभी इन्फॉर्मेशन राइट में दिखाई दे रही है। चार्ट यहाँ पे है, ये शो कर रहा है।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चार्ट, ये सेपरेट टैब में खुल जाएगा। आप इसे 5 मिनट का, आप इसे 1 डे का चार्ट लगाना चाहें, स्टडीज या टेक्निकल्स हैं, आप सारे टेक्निकल्स यहाँ पे, टेक्निकल्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सारे इसके जितने भी फीचर्स हैं धीरे धीरे सारे फीचर्स को समझेंगे। आज के लिए आई थिंक दिस इज़ सफिशियंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद, जय भारत।